सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लाइब्रेरी पॉइंट। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो मैं नैतिक आज अपनी टीम के साथ एक रिव्यू लेके आने वाला हूँ, जो कि होगा एक डिजिटेक माइक का रिव्यू। सो देखते रहना, एंड तक देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स तो गाइस, अब हम अनबॉक्सिंग करेंगे आपका, जो जैसे नैतिक ने बताया स्टार्टिंग में इंट्रो में, डिजिटेक का एक्सट्रीम वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम। इसका मॉडल नंबर है DWM101। ये कुछ आपके साइड में बॉक्स के अंदर के कंटेंट्स आपको मिल जाते हैं। तो अनबॉक्सिंग करना चालू करते हैं। ये रहा आपका कवर बॉक्स। कवर बॉक्स जैसे आप देख सकते हैं बहुत अच्छे फैब्रिक में दिया है, ट्रैवल केस है ये। बॉक्स के स्टार्ट में आपको मैनुअल मिल जाता है, ये आपका QR कोड है। अगर आपको QR कोड एप्लीकेशन उसका चाहिए होगा तो यह दे सकते हो आप। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस मिल जाते हैं, ये आपका डिजिटेक का मैनुअल, इसको हम साइड में रखते हैं। तो, और यहाँ पे आपके रिसीवर, ट्रांसमीटर, दो ट्रांसमीटर आपको मिल जाते हैं और एक रिसीवर मिल जाता है। मफ्स, विंड मफ्स, केबल्स है आपके लिए। ये आपका टाइप सी टू ईयरपोर्ट, ये आपका चार्जिंग केबल दोनों रिसीवर के लिए और ट्रांसमीटर के लिए। आपके ईयरफोन्स, आपको दो ईयरफोन्स मिल जाता है इसमें। ये आपका सेम चीज़ जो आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे दो दिया गया आपको। कैमरा के लिए भी एक पोर्ट है, कैमरा के लिए भी है। ये टाइप सी टू टाइप सी आपका रिसीवर पे लग जाएगा और ये आपका टाइप सी मोबाइल पे लग जाएगा। और ये आपका टाइप सी टू लाइटनिंग पोर्ट है। और तो गाइस, जैसा आपने अनबॉक्सिंग वीडियो में देखा, ये सारे कंपोनेंट्स मैंने अरेंज करके रख दिए हैं। ये आपका चार्जिंग केबल हो गया, ये टाइप सी टू लाइटनिंग हो गया। ये दो कैमरा पोर्ट्स मिल जाते हैं आपको, ये दो ईयरफोन्स मिल जाते हैं, विंड बफ्स दो मिल जाते हैं, ये एक मैनुअल मिल जाता है और एक आपको सॉफ्टवेयर के लिए। रिसीवर, ट्रांसमीटर और ट्रांसमीटर आपको ग्लॉसी लुक में तीनों चीज़ें मिल जाती है। कैरी केस मिल जाता है और आपका ये बॉक्स। सो जैसे कि आप सभी ने देखा हुआ क्या क्या चीज़ें थी, कैसा था माइक, कैसा था डब्बा, काफ़ी सारे कंपोनेंट्स थे, लगभग 9 कंपोनेंट्स थे। दो ट्रांसमीटर, एक रिसीवर, दो विंड मफ एंड केबल्स सी डी एस एल आर एंड फ़ोन के लिए। साथ में आपको दो ईयरफोन्स भी आते हैं जिससे कि आप सुन सकते हैं आपकी वॉइस। एंड अब मैं आप बात आते हैं यूजेस पे, क्या क्या है इसके यूजेस। सो आप इसको आप बाहर भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप व्लॉगिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, काफ़ी अच्छा है। नॉइस कैंसिलेशन भी है इसका। इनसाइड तो आप देख ही रहे हैं, वॉइस आ रही होगी आपको मेरी, काफ़ी क्लियर नॉइस होती है। प्लस इसमें एक इको मोड में है जिससे इको मोड में आप डाल के आराम से प्लेन नॉइस सुन सकते हैं। सो और इसकी जो वारंटी है वो है 6 मंथ्स। और वेट भी इसका इतना ज़्यादा है नहीं, सिर्फ 300 ग्राम। और इसकी बैटरी अगर देखी जाए तो इसकी लिथियम पॉलीमर बैटरी आती है जो कि काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छा चार्जिंग करती है, कम टाइम लेती है, ज़्यादा पावर देती है। एंड इनसाइड की जो मैं बात कर रहा था, पॉडकास्ट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। एंड अभी हम आपको एक डेमो भी दिखाएंगे कि जो दो ट्रांसमीटर है उसकी कैसी वॉइस आती है। सो वो आप देख लीजिएगा एक बार। सो अभी मेरे साथ आ चुका है सिद्धार्थ जो कि मेरा दोस्त है, और ये मुझसे कुछ ऐसे सवाल पूछेगा जो कि आप लोगों के लिए थोड़े डिफिकल्ट होते हैं माइक के बारे में जानने के। सो सिद्धार्थ, पहला सवाल पूछिए। सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या आपकी इसके बारे में थॉट्स है कि प्रोडक्ट कैसा है आपके लिए? ओके, सो अगर मैं अपना रिव्यू बताऊं कि प्रोडक्ट कैसा है, तो मैं इसको कहूंगा काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, ब्रिलियंट प्रोडक्ट है, फैबुलस है, काफ़ी अच्छा कनेक्टिविटी है, काफ़ी अच्छी अडेप्टिबिलिटी है इसकी। एंड जब भी मैं कुछ भी बोलना चाहता हूँ सो क्लियर वॉइस है, कोई बैकग्राउंड वॉइस आती नहीं है इसमें, एकदम स्मूथ एंड प्लेन वॉइस देता है। एंड इसका जो कनेक्टिविटी है, मतलब इसकी जो रेंज है, मैं आपको उसका एक एग्जांपल देना चाहूँगा जो कि 100 मीटर तक जाता है ये। सो एक एग्जांपल देता हूँ, मैं एक बार वहाँ पे जाऊँगा इस रूम के पीछे एंड वहाँ से बोलूँगा और आप देखना कितना क्लियर वॉइस आएगा। सो आओ चलो, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी मैं इस तरफ आ चुका हूँ, और आप बताना कॉमेंट सेक्शन में लिख के
कि आपको मेरी वॉइस कैसी आ रही है, क्लियर है, स्मूथ है, बता देना। और अब मैं आता हूँ फटाफट से उधर, चलो। सो आपको कैसी लगी मेरी वॉइस आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है बता दें। मेरे दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये मतलब जो कस्टमर्स जो लेंगे उनके लिए क्या अफोर्डेबल है या फिर प्राइस रेंज में अच्छा है ये। ओके, आप अफोर्डेबिलिटी की बात करते हैं तो मैं बता देता हूँ, इसकी MRP अराउंड 7,000 रुपीज़ है, उसमें से 5 रुपये माइनस कर दीजिए तो 6,995 रुपीज़ है। एंड अगर आप ये अमेजोन से ख़रीदते हैं तो आपको ये अराउंड 4,400 रुपीज़ का मिलेगा, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल हो जाता है, काफ़ी ईजी इन द पॉकेट, तो आप खरीद सकते हैं इसे एंड बिगिनर्स के लिए काफ़ी अच्छा है। थर्ड क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या इसकी कनेक्टिविटी में कोई इश्यूज आते हैं क्या? नहीं, एज सच कोई कनेक्टिविटी में इशू नहीं है, इसे आप एप्पल के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ एक C2 लाइटनिंग पोर्ट भी आता है एंड इसे आप बहुत इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। इसे आप अपने जो सी केबल है उसे रिसीवर में डाल सकते हैं एंड जो आपका लाइटनिंग पोर्ट है उसे आईफोन में कनेक्ट कर सकते हैं, वो आपका इजीली कनेक्ट हो जाएगा। एंड एंड्रॉयड यूजर्स के लिए भी C2C पोर्ट अवेलेबल किया गया है एंड ऑल्सो कैमरा के लिए भी DSLR कैमरे के लिए भी केबल दी गई है। सो आप काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी से, काफ़ी अच्छा स्मूथ कनेक्टिविटी से कोई भी डिवाइस पे चला सकते हैं, चाहे वो PC हो, कैमरा हो, iOS हो, एंड्रॉयड हो। और कोई क्वेश्चन है आपके? नो, थैंक यू फॉर गिविंग माई ऑल आंसर्स, थैंक यू। एंड मेरे को प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा। सो जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी रेटिंग मिल चुकी है, थैंक्स आने के लिए, थैंक। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा सिद्धार्थ का रिव्यू जो कि काफ़ी बढ़िया था, काफ़ी अच्छा दिया, और आपने अनबॉक्सिंग से लेके रिव्यू तक सारी चीज़ें देख ली होगी। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से लिख देना कैसा लगा आपको, और अगर आपको ये माइक ख़रीदना है जो कि काफ़ी अफोर्डेबल है, इजी इन द पॉकेट है, सो मैं अमेजोन का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एंड जितनी सारी डिटेल्स है माइक की वो भी सारा डाल दूंगा, सो गो चेक इट आउट। एंड अगर आप ख़रीदते भी हैं माइक सो प्लीज़ अपना रिव्यू कॉमेंट सेक्शन में डाल देना। एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, हमारे चैनल लाइब्रेरी पॉइंट को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन दबा देना फॉर मोर रिव्यूज एंड मोर वीडियोस ऑफ कोर्स। सो एंड में मैं अपनी टीम मेट सिद्धार्थ एंड कैमरामैन आरिश का थैंक यू करता हूँ। हम मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।